जन ऐसे हैं जो पहले एक या दो वर्कशॉप कर चुके SaS, तो थोड़ी बहुत लोग है। आज का टॉपिक है बुक बाइंडिंग, और उसके अंदर काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हमें नॉर्मल केस में हमें याद नहीं रहती है। तो हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है, वेलबाउंड करके कंपनी का नाम है, जो परफेक्ट बाइंडिंग मशीन भी बनाती है और फोल्डिंग मशीन भी बनाती है। और उनके जो मिस्टर दिनेश करके है, वो आज आपको बताएंगे कुछ बातें बेसिक्स बुक बाइंडिंग के बारे में, और आपको इंट्रोड्यूस करेंगे टू अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बाइंडिंग कॉल्ड PUR। एम आई राइट? यू आर गोना टॉक अ लिटिल बिट अबाउट PUR। ओके, तो सिर्फ एक 5-10 मिनट PUR के बारे में बताएंगे कि क्या है PUR, बिकॉज अभी नया है, बहुत लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या फ़ायदे हैं वो टेक्नोलॉजी के वगैरह वगैरह, वो सब बात करेंगे। दिनेश से मैं अभी बात कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि ही वुड लाइक कि ये सेशन को इंटरैक्टिव होना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस पूछिए उनको। पहले उनका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, फिर वो काफ़ी सारे सैम्पल्स आपको दिखाएंगे, सेटअप बताएंगे, परफेक्ट बाइंडिंग मशीन का सेटअप कैसा होना चाहिए, क्या तकलीफ़ आती है आपकी तरफ से, आपके कंपनी में जो जो तकलीफ़ आती है वो भी आप पूछिए, तो वो आपको उसका सवाल जवाब देंगे और बताएंगे सही तरीका क्या है। अब शुरू करने के लिए मैं जो है अरविंद भाई को बुलाऊंगा, हमारे BMPA के कमिटी मेंबर को, जो फूलों का गुलदस्ता देख के दिनेश को सम्मानित करेंगे। अरविंद भाई प्लीज़ आइए आगे। थैंक यू दिनेश फॉर टेकिंग अप दिस। अरविंद भाई प्लीज़ गिव हिम ऑन आवर बिहाफ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू दिनेश, थैंक यू अरविंद भाई। अब हम ये सेशन चालू करते हैं। जितना आप पूछेंगे क्वेश्चन, जितना आप सीखने की कोशिश करेंगे, उतना ही समझेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश है, एंड मैं वेलबाउंड वर्ल्ड वाइड में पिछले 8 साल से काम करता हूँ। उससे पहले AC कॉलेज में 3 साल पढ़ के प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, एंड उसके बाद बहुत कुछ जो भी सीखा है इंडस्ट्री में, एक्चुअली हैंड्स ऑन मशीन पे समझ के, मे बी आप लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा ही होगा। सो मोर ऑर लेस प्रिंट इंडस्ट्री जो है, इट्स लाइक यू नो, हम काफ़ी पैशन देखते हैं चीज़ों को बनाने की तरफ कि अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट लाइक बुक, जब हम एक किताब बना रहे हैं, किताब एक ऐसा चीज़ है जो वेदर और नॉट हम एक प्रिंटर है या नहीं है, एज ए यूज़र भी हर कोई किताब पढ़ता है। हमारे जो सारे लोग हैं, हमने जो भी स्टडीज़ किए हैं या अदरवाइज ऑल्सो, हमने हर रोज़ या हर कभी कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करने के लिए हम किताबों का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर आज भी। और इन किताबों के प्रति नो, जब हम एक आज एक तकनीकी जरिए से देखना चाहते हैं कि ये क्या सही बनते हैं या नहीं बनते हैं, और मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने ए प्रिंटर या एज ए बुक बाइंडर के अलावा भी एज ए यूज़र ऑफ़ द बुक्स बहुत बार बुक्स को यूज़ किए होंगे, और आपको कई बार कुछ खामियां लगी होगी कि यार ये बुक में ये प्रॉब्लम है, यार ये बुक में वो प्रॉब्लम है ना। आज मैं चाहूँगा कि आप वो सारे खामियाँ को एक बार रिविज़िट किए, 2 मिनट के लिए सोचिए कि मैं जब बुक्स यूज़ करता हूँ तो क्या होता है, क्या दिक्कत आती है, या वो कोई बुक अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, या कोई बुक हम बहते हैं ये बुक बढ़िया बना है, अच्छा क्वालिटी का बाइंडिंग हुआ है तो क्यों है, या ये बुक का अच्छा क्वालिटी का बाइंडिंग नहीं हुआ है तो उसमें क्या हो गया, क्या हमें नज़र आई थी उसमें खामी, एंड उसे आज बाहर निकालिए, तो हम उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारे बुक बाइंडिंग प्रोसेस में कहाँ पे वो नुक्स आया था, कहाँ पे वो नो इशू आया था जिसके वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और क्या करने से हम उस प्रॉब्लम को निकाल पाते बेसिकली। एंड इट इज़ ऑलवेज हमेशा ऐसा ही रहेगा कि हम जितना अच्छा करना चाहते हैं उतना वो अच्छा करने का उसमें स्कोप होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि बुक बाइंडिंग ऐसा प्रोसेस है वो आखिरी में आता है, हम प्लान करते हैं, प्रीप्रेस डिज़ाइनिंग करते हैं, पेजेस लेआउट करते हैं, देन प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद सब कुछ होने के बाद फाइनल प्रोसेस हमारा बुक बाइंडिंग करने का होता है। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो भी कुछ होना होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, मतलब अगर कोई बुक में जो भी
बिगाड़ होना है तो सब कुछ हो चुका है, हम जितना दुरुस्त करना चाहते हैं करते हैं, नहीं होता है तो कभी फेल हो जाते हैं, एंड देन उसको कैसे फिर वो हमारे ऊपर है कि उसको अकोमोडेट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है. तो एट द आउटसेट मतलब सबसे पहले है कि बुक का महत्व समझते हुए ना, बुक्स फाइनली जो पर्पस सोसाइटी में सर्व करते हैं उसके हिसाब से उसको सुपीरियर अच्छे क्वालिटी का ही होना चाहिए. ख़राब क्वालिटी का किताब हमारे प्रेस से बाहर जाना नहीं चाहिए. इसके लिए हमारे अंदर एक ये होना चाहिए कि मैं अगर उस बुक बनाने के प्रति कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये बुक अच्छा बने. शुरू वहाँ पे होता है. नेक्स्ट, जस्ट एक ऑन अ लाइट नोट एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं. आजकल बुक्स इन कल्चर कम देखते हैं, हमने शायद सखाराम बाइंडर वगैरह नाटक देखा होगा. लास्ट टाइम मैंने जो बुक का जिक्र मूवी में देखा था वो कुछ इस तरह का था. मुझे काम पे जाना है, शाम को लेट आऊंगा. आपका किताब का बिजनेस है ना? हाँ, किताब छापते हैं, पब्लिशिंग बिजनेस. मैं भी आऊँ ऑफिस देखने? आज नहीं, एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ, इम्पोर्टेंट मीटिंग. कैन आई हेल्प यू सर? या नो नो. हैव यू रेड दिस बुक? इट इज गुड. वेरी वेरी गुड सर. इस पे हॉलीवुड की फिल्म भी बनने वाली है. ये वाला ऑल्सो वेरी वेरी गुड सर. बिजनेस कैसा है इसका? या सर, हाँ डिमांड में है. अच्छा, कुछ खरीदेंगे सर? ये पैक कर दो. ओके, एक मिनट. ये भी और ये सर, ये सारी लेंगे आप? सारी ये सब पैक कर दो सर. आर यू श्योर? हाँ चलो चलो पैक करो. ओके सर. ये स्टॉक बांद्रा जा रहा है ना? जी हाँ. छोटू ये बुक्स लेकर अंदर आ. ये बुप्पी पता लगा वो चिंतन गांधी का बुक कभी आ रहा है? हाँ सर. अलग जरा. जी सर. ये क्या है? इसमें पेज गायब है. चार पांच पेज नहीं छुपा साहब, फिकर करने की जरूरत नहीं है, पता नहीं चलेगा. आजकल पूरा कौन पढ़ता है? हेलो, हम बुक बेचते हैं. बुक स्टोर से कम दाम का मतलब ये नहीं कि आधा बुक बेच दें. अरे साहब, कौन से सिग्नल पर कौन से बच्चे को कस्टमर वापस करने आ गया किताब? सीधा काम करता है कि नहीं? एक काम करते हैं साहब, स्टेपल करते हैं कागजों. क्या? सारे स्टेपल कर देते सर. अब तक कितना छपा? दूसरा लॉट शुरू है सर. फाड़ दो. क्या? क्या? नया लॉट शुरू करो. ये सब टाइम लग जाएगा, पैसा भी बर्बाद होगा. नया लॉट शुरू करता है कि नहीं? फिर से शुरू कर लॉट. जी सर. सो आपको समझ में आया होगा कि इज अ बुक पायरेट. पायरेटेड किताब बेच छाप कर बेचने का बिजनेस करता है, बट उसको भी काफ़ी पैशन है उसके बारे में कि वो भी जो बुक बना रहा है अच्छे से बना है. अगर ख़राब बनी है तो फाड़ के फेंक दो, नया लॉट शुरू करो, ऐसे वो कह रहा है. इनफैक्ट बुक इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रही है ऑन अ बिजनेस लेवल. तो अपना ये बनता है कि हम जो बुक बनाए ना, बुक का ये नहीं है कि सिर्फ बाइंड हो गए, बन गए, बाहर आ गए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जो बुक फाइनली बन के आए वो अच्छी बने. अब असली नकली का फ़र्क कैसे करेंगे? सो आज जो हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं बुक बाइंडिंग का, हम यूजुअली आपने
तरह तरह के, अच्छा आप जहाँ जहाँ भी काम करते होंगे आप एक यूजुअल वे ऑफ बुक बाइंडिंग से वाकिफ होंगे कि इस तरह से बुक बनते हैं, या फिर आपने जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उन्होंने अलग अलग बुक बाइंडिंग टेक्निक्स पढ़ी होंगे, या ये वर्क फ्लो होता है हम वायर स्टिच बुक बनाते हैं, हार्ड कवर बाइंडिंग के बुक्स बनाते हैं, परफेक्ट बाइंडिंग बुक बनाते हैं। आजकल हो क्या रहा है कि इन अ मॉडर्न डे बुक बाइंडिंग, मतलब आज के आधुनिक काल में ऐसा है कि सारे वर्क फ्लोज यूनाइट हो रहे हैं, कोई अलग अलग तरह से बुक नहीं बनाता आजकल। एक एक पोस्ट प्रेस का सेटअप होता है जिसमें जिसके थ्रू सारे किताब हर तरह की किताबें बनाई जाती है, एंड टेक्नोलॉजी उस तरह से सुधर रही है, हर दिन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है, हर दिनों में केमिस्ट्री में, एडेसिव्स में, पेपर्स में इम्प्रूवमेंट होता है, प्रिंटिंग में इम्प्रूवमेंट होता है, जिसके द्वारा हम ये यूनिफिकेशन ऑब्जर्व कर देते। तो मोर ऑर लेस आप जो भी हम देखते हैं आजकल किताबें कुछ इस तरह से बनती है। एक किताब बनाने के लिए बेसिकली हम कवर प्रिंट करते हैं, इनसाइड के पेजेस प्रिंट करते हैं, जिसको फाइनली हम जाके यूनाइट करके बुक बनाएंगे। अब होता क्या है इन एक प्रिंट के वर्क फ्लो में, आज डिजिटल का ज़माना है, ठीक है, आज आज आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है, बड़ा ऑर्डर देने का ज़रूरत नहीं है, आप एक कॉपी भी छाप सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने प्रिंट करके आपका जो आपने जो प्रिंट कमांड दिया है वहाँ से ही आपके पेजेस एक सीक्वेंस में प्रिंट हो सकता है। मतलब आपने 100 पेजेस का बुक है, 100 पेजेस प्रिंट किए, कवर प्रिंट किया, एंड यू कैन टेक दैट बुक ऑन योर बाइंडिंग मशीन। उसी को आप, मतलब आपको एक बुक बाइंड करना है जो डिजिटल से प्रिंट किया है, उसके अपने वेरिएबल से, अपने चैलेंजेस से। लेट्स से अदरवाइज आपने ऑफसेट में प्रिंट किया है, हमने थोड़ा बड़ा लॉट 5000 बुक्स प्रिंट किया है, उसका मतलब क्या, आप फॉर्म बाय फॉर्म छापते हैं, 5000 का एक फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, विच इज़ देन पुट ऑन अ फोल्डिंग मशीन, एंड देन उसका फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग होने के बाद उसका गैदरिंग होता है, गैदरिंग होने के बाद आई कैन टेक इट टू अगेन टू द बाइंडर टू बाइंड द मशीन। उसका वापस से जो हम जो भी बाइंडिंग करना चाहते हैं बाइंडिंग करके कवर से अटैच करके एक बुक बना सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक बहुत एडिशनल स्ट्रेंथ चाहिए तो हम उसको सिलाई करते हैं, तो फोल्ड किया, गैदर किया, सिलाई किया, और फिर वापस बाइंडिंग मशीन पे लेके आए। मतलब बाइंडिंग मशीन को इनपुट्स कितने तरीके से ही मिलते हैं, एंड देन ऑन द बाइंडिंग मशीन आप अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट का क्या फिनिश है उसके हिसाब से, आइदर हमें यूजुअली दो तरह के किताबें होते हैं मार्केट में, इसको हम सॉफ्ट कवर बुक्स बोलते हैं, हार्ड कवर बुक्स बोलते हैं। हार्ड कवर मतलब जिसमें एक केस होता है ऊपर, हार्ड केस होता है जिसके अंदर हमारा बुक रखा गया होता है, फॉर जो अगर हमें बाइंडिंग बहुत सालों तक संभाल के रखनी है, लाइब्रेरी में रखनी है, या कोई रिलीजियस किताबें है उस तरह के किताबों को जिसका भी बहुत लंबा लाइफ है, उसको हम यूजुअली हार्ड केस में बाइंड करते हैं। बट इवन देन आपका बाइंडिंग मशीन का वर्क फ्लो वही रहता है, जस्ट इंस्टेड ऑफ मेकिंग हम बुक बनाने के सिवाय हम उसको बुक ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, अगेन बाय यूजिंग स्पेशल मटेरियल्स फॉर बैक लाइनिंग, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं बैक लाइनिंग, या जो स्पेशल स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स होते हैं जिसका कवर के जगह पे हम उसका यूज़ करके बुक ब्लॉक प्रिपेयर करते हैं। देन वी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम उस बुक को आइदर वी कैन मेक ए स्क्वायर फिनिश, और आपने काफ़ी बुक्स देखा होगा जिसको राउंड होता है बैक उसका, देन यू कैन ऑल्सो हैव ए राउंडिंग प्रोसेस विच इज़ पार्ट ऑफ द ये बुक ब्लॉक बनाने के प्रोसेस में हम वो करेंगे, एंड योर प्रिंट अपना प्रिंटेड जो कवर है उसको हम एक हार्ड केस में डालेंगे यूजिंग द बोर्ड्स, 3-piece बोर्ड्स यूज करके, फ्रंट कवर, बैक कवर और स्पाइन का स्ट्रिप लेके यू कन्वर्ट इनटू अ केस, एंड ये केस और ये आपका बुक ब्लॉक जब हम मैरी करेंगे, हम दोनों को ज्वाइन करेंगे, दैट विल प्रोड्यूस योर फाइनल हार्ड केस बुक। सो पुराने या कुछ टाइम पहले ये सब अलग अलग हार्ड केस का अपना लाइन चलता था, मतलब पूरा प्रोसेस होगा जो शुरू से बुक बनाने के लिए अपना डेडिकेटेड प्रोसेस होगा, जो बुक ब्लॉक बनाने का डेडिकेटेड मशीन होगा। बट बिकॉज टुडे बुक्स इस तरह के नो डायनामिक क्वांटिटीज में बनते हैं, आपको एक किताब बनाना है, कभी 500 किताब बनाना है, 1000 किताब बनाना है, 50,000 किताब भी बनाना है, सो मोर ऑर लेस अपना जो वर्क फ्लो है नाउ इट इज़ गेटिंग स्ट्रीमलाइन, एक जरिए से जाता है, और एंड डिसाइड बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द वर्क फ्लो कि हम क्या चेंजेस ला के आपका फाइनल आउटपुट चेंज करेंगे, जिसका मतलब है कि हम ऑन अ बुक बाइंडिंग ऑपरेशन, एक बुक बाइंडिंग प्रोसेस में काफ़ी वेरिएबल्स के को हैंडल करते हैं, ये बुक लूज लीफ में आया है, ये बुक फोल्डेड फॉर्म्स में आया है, ये बुक अभी सिलाई होके आया है,
इसको मुझे आगे राउंडिंग करना है, इसको मुझे आगे केस में डालना है, बेस्ड ऑन दैट माय सेटिंग्स विल चेंज. इसके हिसाब से मैं मशीन को सेट करता हूँ, इसके हिसाब से मैं मेरा बुक बाइंडिंग सेट करता हूँ. मोर और लेस जो हमारा जो एक्चुअल बुक बाइंडिंग होता है, ये इसके अलावा जो पुराने ज़माने में हम लोग हैंड बाइंडिंग करते थे, तो सारा प्रोसेस हाथ से करते थे, तो एक एक चीज़ हमारा इंडिपेंडेंट होता है. नाउ ये जो बुक बाइंडिंग है, द सेंट्रल प्रोसेस, जो सबसे मेन प्रोसेस इस सारे चीज़ों में हो रहा है, जहाँ पे आप कवर और बुक को ज्वाइन कर रहे हो, या बुक के सारे पेजेस यूनाइट करके आप उसको एक बाइंडिंग कर रहे हो, उसको आज जो हम 80-85% जो बाइंडिंग स्टाइल यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एक हॉटमेल्ट एडेसिव यूज़ करते हैं. हॉटमेल्ट एडेसिव यानी एक एडेसिव जो एक प्लास्टिक बेस्ड है, जिसको हम गर्म करके पिघला के एक टेम्परेचर पे रख के फिर अप्लाई करते हैं, एंड देन आप वो उसको उसके बुक के बैक को अप्लाई होके बाइंडिंग होती है. एंड जो फहीम सर जो PUR की बात कर रहे थे, यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ एडेसिव्स, केमिस्ट्रीज अवेलेबल टू यू टुडे. पहले हॉटमेल्ट, दोनों भी हॉटमेल्ट है, दोनों भी पिघला के लगाएंगे, लेकिन एक जो है जो PUR जो नई जनरेशन का एडेसिव है, ये सब आपके प्रोसेसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं. हमें फिर वो बुक की बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग देता है कि उसके हमें फिर सिलाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. सिलाई हम इस सारे प्रोसेस में एक ही वजह के लिए कर रहे हैं, ताकि उसको एडिशनल स्ट्रेंथ मिले. एक इसको हम रीइन्फोर्समेंट बोलते हैं बाइंडिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है. वो उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है अगर हमारी बाइंडिंग की स्ट्रेंथ या बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ द एडेसिव इज दैट मच. सो द नेक्स्ट स्लाइड दैट हम लोग जो बात करेंगे, इसमें हम ये जो कोर बुक बाइंडिंग प्रोसेस है ना, उसका साइंस के बारे में बात करेंगे. हम लोग जब भी बुक बाइंडिंग का बात करते हो, कहते हैं आर्ट और साइंस है, तो पहले उसका तकनीक समझ लेते हैं, क्या है उसमें, एक बुक को बाइंड करने में होता क्या है, व्हाट हैपेंस. यहाँ पे समझने के लिए ये चीज़ है कि स्टेजेस ऐसे होते हैं. अगर आपको मैं एक बुक दूँ, कवर दूँ, और आपको बोलूँ बाइंड करना है, आप हाथ से बाइंड करो, यही स्टेप्स आप यूज़ करेंगे बुक बाइंडिंग करने के लिए. क्लैम्प, आपको बुक अपने यहाँ पे किया है ना, फॉर्म लूज फॉर्म्स का बेसिकली आपके प्रिंट किया, फोल्ड किया, गैदर किया, फॉर्म्स आ गए. नाउ इसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए हमें आप उसको क्लैम्प करना है. तो अगर आपने कभी अपने लैब स्कूल लैब में किया होगा, या कोई डमी बनाने के लिए किया होगा, बेसिकली इसको कहीं किसी पकड़ में रखते हो और इसके ऊपर ऑपरेशंस करते हो. इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, स्पाइन प्रिपरेशन, एडेसिव एप्लीकेशन, कवर को क्रीज करके अप्लाई करना फाइनली, एंड निपिंग करना एंड स्टैक करना. ये प्रोसेस जब हम मैन्युअली करते तो हमारे पास काफ़ी वक्त होता है, आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऑन मशीन, मशीन में जब ये होता है, द थिंग इज दैट इट हैपन्स इन सेकेंड्स, एंड दैट इज़ वॉट द ब्यूटी ऑफ द होल प्रोसेस इज, कि ये बहुत क्लीन और फास्ट प्रोसेस है. Which on the flip side becomes, क्या हो जाता है कि one shot process है, तो मुझे जो भी कुछ इसमें setting करना है, जो भी कुछ सही गलत होना है, एक shot में हो जाएगा. तो मुझे जो margin of error है, या मुझे कुछ भी चीज़ correct करने का जो भी scope है, वो उतना ही है. एक बार book pass हो गया मेरे machine के में से, तो book अगर ख़राब बनना है, ख़राब बन गया, तो उसको वापस सही नहीं कर सकते. So समझिए कि अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन परफेक्ट बाइंडिंग प्रोसेस इज एन वन शॉट प्रोसेस कंपेयर टू एनी अदर बाइंडिंग स्टाइल. आप जो मैनुअली बाइंडिंग करते हैं तो आप स्टेप्स में करते हैं, आप पूरा हार्ड केस बाइंडिंग करते हैं तो आप स्टेप्स में करते हैं, ठीक है. बस परफेक्ट बाइंडिंग में जब हम बाइंड करते हैं, तो यू फीड द बुक, यू गेट द फाइनल बुक आउट. नेक्स्ट, जस्ट वीडियो है, जस्ट टू शो फ्रॉम फीडिंग टू final nipping and delivery, what happens in the book binding process. You're feeding the book, ये जो आवाज़ आ रही है ना कर्कश की, यहाँ पे आपका एक कटर है जो स्पाइन को कट कर रहा है. इन्हें अप्लाइंग द एडेसिव यूजिंग मैनी रोलर, हम देखेंगे कि ये रोलर, इतने सारे रोलर क्यों होते हैं. एंड देयर आर दिस ब्लेड्स विच आर कटिंग ऑफ.
अब देखेंगे वो फ्लिप हो रहा है, उसको हम कट ऑफ कहते हैं मशीन में। देन यू हैव ए कवर फीडिंग, जहाँ पे कवर को क्रीज करके कवर फीड होके बुक से अटैच होता है। फाइनली यू हैव अ स्टेशन कॉल्ड निपिंग स्टेशन, जहाँ पे निपिंग माने दाब, हम बुक और कवर को जॉइन करके एक दाब के अंदर रखेंगे और फाइनली उसको धीरे से जाके डिलीवर कर देंगे जहाँ पे वो स्टैक हो जाएगा। तो इस एक एक स्टेप में काफ़ी सेटिंग्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर आपके सामने एक बुक बाइंडिंग मशीन है तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए ना, अगर आपके पास एक बुक है जिसको चलाना है हमें मशीन पे, तो व्हाट ऑल थिंग्स क्या क्या हम देखेंगे, दीज आर द थिंग्स हम जो नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं। जस्ट टू बिगिन विद, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव एक बुक का क्लैंप। बुक का क्लैंप में हम लोग ये बुक को फीड करने वाले हैं। ये क्लैंप ये बुक को पकड़ के कस के पकड़ेगा एंड देन इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे हर एक स्टेशन पे, जहाँ पे उसको एक एक टाइप के प्रोसेसिंग होने वाले हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब वो क्लैंप कर रहा है तो उसका प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। अगर आपने बहुत ज़्यादा कस के पकड़ा है तो ये इतना दब के पकड़ेगा कि नीचे से फूल जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का पैरेललिज्म। एक क्लैंप एक रेल पे चलता है जो बुक को लेके चल रहा है, और क्लैंप जो हम बुक जब फीड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो ऑपरेटर ने बुक ऐसे फीड किया उसमें, वो एक नीचे एक प्लेट होता है जिसके अगेंस्ट वो नॉक करता है। माने हम बुक जब फीड करते हैं क्लैंप में तो ऐसे एक नीचे एक प्लेट को जाके लगता है। ओके, ऑन फास्टर मशीन इनलाइन मशीन वो प्लेट वाइब्रेट भी होता है ताकि वो वाइब्रेट करके नॉक करके प्रॉपरली आके अलाइन करके एक पोजीशन में फिर उसको क्लैंप क्लोज कर लेते हैं। नाउ ये इसको हम बेस प्लेट कहते हैं। ये बेस प्लेट मूवेबल होता है, इट इज़ एन मशीन एडजस्टमेंट। ये मूवेबल क्यों होता है? बिकॉज हम ये जो बेस प्लेट का हाइट सेट करेंगे आपका किताब वो क्लैंप में उतना ऊपर या नीचे होल्ड किया जाएगा। उससे क्या डिसाइड होगा? उससे ये डिसाइड होगा कि नेक्स्ट स्टेशन पे जब ये कटर चलेगा तब कितना इसमें से कटने वाला है, उसको सेट करने के लिए हम क्लैंप में ये बेस प्लेट सेट करते हैं। प्रीवियस स्लाइड सी, जो नीचे वो एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील प्लेट है दैट इज वो बेस प्लेट है एंड यू हैव दिस क्लैंप एंड ये बेस प्लेट हम मूव कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द राइट एंगल। आपका जब मशीन चल चल के ऐसा हो सकता है उसका बैरिंग में प्ले आ गया है, कुछ आ गया है, आपका एक क्लैंप इस तरह से आउट जाता है ऐसा। तो चेक दैट, हम ये टी स्क्वायर रख के चेक करते हैं कि ये बेस प्लेट के रेफरेंस से हमारा क्लैंप का पोजीशन परपेंडिकुलर है या नहीं, काटकोन बनता है या नहीं। अगर काटकोन नहीं बनता है तो वो जो भी डिफरेंस है वो सारा आपके बुक के जब स्पाइन कट होगा उसमें आएगा वो एंगल। आप परफेक्ट बाइंडिंग को परफेक्ट बाइंडिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज मतलब शब्द अपने आप में आ गया, उसका अपना एनेक्डोट होगा, बट बेसिकली इट इज़ आइडेंटिफाइड है कि ये जब बुक बाइंड होता है इसका एक स्क्वायर लुक आता है, इसका स्पाइन स्क्वायर होता है। माने जो परफेक्ट बाउंड बुक्स होते हैं उसके स्पाइन काटकोन होते हैं सब साइड से, एक रेक्टेंगल एक क्यूब रखा हुआ है जैसे ऐसे लगे, सब साइड्स उसके राइट एंगल आने चाहिए। उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। अगर ये आपका राइट एंगल नहीं है तो इसके बाद इसमें जो भी प्रोसेस होगा मशीन में वो सारा वो जो डिफेक्ट है वो हर स्टेज में दिखेगा। ग्लू भी आपका टेढ़ा लगेगा, कटिंग भी टेढ़ा होगा, सब कुछ टेढ़ा हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, वंस द फर्स्ट प्रोसेस, तो जो हम लोग सबसे पहला प्रोसेस जो मशीन में एक बार क्लाइम करने के बाद बुक्स पे करते हैं उसको हम स्पाइन प्रिपरेशन बोलते हैं। स्पाइन प्रिपरेशन यानी इसको ब्रॉडली सरफेस प्रिपरेशन बोलते हैं। अगर हमें कोई भी सरफेस पे कोई लिक्विड अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले उस सरफेस को तैयार करना होता है वो लिक्विड स्प्रेड होने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए। इसको हम लोग
सरफेस पर प्रिंट करना, कोई भी इवन अब दीवार पे जब पेंट भी लगाते हैं, दीवार पे पेंट लगाना हम यूं ही नहीं शुरू करते, राइट? हेलो, उससे पहले हम सैंड पेपर से रब करते हैं. सैंड पेपर से रब किस किस लिए करते हैं? क्या होने के लिए? फ्रिक्शन. ओके, एनी अदर इनपुट्स? हाँ, स्मूथनेस. ओके, ओके. बेसिकली उस रफनेस है बेसिकली सरफेस पे वो एरियाज क्रिएट करने के लिए, वो पीक्स एंड वैलीज क्रिएट करने के लिए, जिसमें जाके वो पेंट उस पर, उसको हम लोग वेटेबिलिटी कहते हैं. कोई भी सरफेस पे कोई लिक्विड पोर करेगा तो इजीली स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है? उसके होने के लिए उस सरफेस को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है. तो हमें इसको अगर एडेसिव लगाना है तो एडेसिव लगाने से पहले इसका स्पाइन को हमें प्रिपेयर करना होगा, इसको सरफेस को रफ करना होगा. दैट इज़ व्हाई जो आपने इतना जो कर्कश आवाज़ सुना था ना, हम ये नहीं चाहते कि इसको क्लीन कट दे स्पाइन पे, हम ये चाहते हैं इसको एकदम बहुत ही रफ कट दे और इसके सारे फाइबर्स जो है पेपर के एक्सपोज करें, ठीक है? तो स्पाइन प्रिपरेशन में बहुत सारे ऑपरेशन एक छोटी जगह में हो जाते हैं. बेसिकली स्टेप वन इज़ टू ओपन. यूजुअली कोई भी बुक का फॉर्म होता है, अगर हम फॉर्म्स फीड कर रहे हैं, लूज लीफ नहीं फीड कर रहे हैं, तो दीज आर ये क्लोज होते हैं ना, यहाँ पे तो फोल्डेड है एजेस, तो अंदर के पेजेस को एडेसिव लगेगा नहीं. ओके, एंड विच इज़ वेयर जो बेस प्लेट का सेटिंग आता है, डिपेंडिंग ऑन कितना पेज का फर्मा है, ठीक है, कितना मुझे काटना पड़ेगा सबसे अंदर के पेज को ओपन करने के लिए, वो डिसाइड होगा, राइट? एकदम लूज लीफ है तो बहुत कम मैं शेव कर सकता हूँ. अगर 32 पेज का फॉर्म है, माने इसमें 1, 2, 3, 4 लेयर के फॉर्म हो गए, सबसे इनर मोस्ट लेयर 4 पेज अंदर होगा, उसको ओपन आउट करने के लिए मुझे उतना डेप्थ रखना पड़ेगा मिलिंग का, उतना लेयर कट करना पड़ेगा. तो स्टेप वन होता है मिलिंग. मिलिंग इज़ बेसिकली कट करो, उसको ओपन कर दो, सारे फॉर्म्स लूज हो जाने चाहिए. नेक्स्ट इज रफनिंग. रफनिंग में हमें क्या करते हैं, अब उसको रफ करना है. अब हमें सारे पेज ओपन हो गए हैं, अब इसको रफ करके इसमें से जो भी पेपर के फाइबर्स है वो एक्सपोज होने चाहिए. तो जब भी आप कोई एग्जामिन करो तो आपको ऐसे फाइबर्स दिखने चाहिए. देन नॉचिंग. नॉचिंग जो हमने जैसे बोला था, फ्रिक्शन, स्मूथनेस, रफनेस हमने बोला. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम करते हैं, जो हम जैसे दीवार का एग्जाम्पल लिया, सरफेस एरिया हमें इंक्रीज करना है. तो व्हेन यू मेक ए सरफेस रफ, जब हम कोई सरफेस को घिस घिस के रफ कर रहे हैं, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं उसमें, वो ऊंचा नीचा पीक्स वैलीज इंट्रोड्यूस, उससे क्या हो रहा है, एक प्लेन सरफेस से ज़्यादा एरिया बन रहा है हमारा, ठीक है? जिसको जो हम लिक्विड उस पर स्प्रेड करेंगे वो लिक्विड इसमें जाके भरेगा. ओके, तो सिमिलरली ऑन बुक बाइंडिंग मशीन्स व्हाट वी डू इज हम इसमें नॉचेस क्रिएट करते हैं. नॉचेस आर नथिंग बट इस तरह से वर्टिकल कट्स मारते हैं. सो आफ्टर यू हैव डन योर मिलिंग हो गया, रफनिंग हो गया, नाउ उसके बाद हम ये नॉच क्रिएट करते हैं. नॉचेस के भी अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं. जो बेसिक आइडिया यही है हमारा कि हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है. तो अगर समझो ये धागा होता कि और ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको आप सीधा कर दो तो ये एरिया इतना इतना से बढ़ गया है. तो हमने अचीव क्या किया है यहाँ पे कि समझो 10 सेंटीमीटर की लेंथ है तो इसको मैंने इजीली 13 सेंटीमीटर बना दिया. ओके, क्योंकि उसमें मैंने वो वीस इंट्रोड्यूस किया है, उतना ज़्यादा एरिया अवेलेबल है मेरे पास अभी जिसके ऊपर मैं एडेसिव लगाऊंगा. इट इज़ स्पाइन प्रिपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन योर बाइंडिंग मशीन. एडेसिव कैसे लगेगा, अगर हमारा बेस सही नहीं है तो इसके ऊपर हम कितना भी अच्छा एडेसिव लगाएंगे तो भी बुक फेल हो सकता है. नेक्स्ट, सो वंस वी आर डन, मतलब ये दो, ये अच्छा स्पाइन बन गया हमारा, हमने रफ कर लिया, यू हैव ए स्क्वायर स्पाइन विद ए रफन बुक, हम उसका ग्लू एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है? एंड आप नोट करिए, बिकॉज दिस इज़ द डर्टीएस्ट पार्ट. मतलब जो स्पाइन प्रिपरेशन में होता है ना, पेपर का काफ़ी डस्ट एब्जॉर्ब होता है, नीचे जाता है,
और वहाँ पे यूजुअली मोस्ट ऑफ द मशीन प्रॉब्लम स्पाइन प्रिपरेशन में प्रॉब्लम वो कटर पे होता है, वहाँ पे डस्ट होगा. हम यूजुअली फर्स्ट 1, 2, 3 करने के बाद ऑन मशीन्स यू ऑल्सो हैव समटाइम्स हैव अ ब्रशिंग यूनिट, एक ब्रश होता है जो फाइनली इसको क्लीन करने का कोशिश करता है. जो भी हमने फाइबर एक्सपोज किया अगर उसमें कुछ लूज फाइबर है इसको ओपन निकालने के लिए एक ब्रश यूज़ करते हैं. मोस्टली देखते हैं कि वो ब्रश में इतना गंदगी होता है कि वो क्लीन करने की वजह और गंदा कर देता है. सो अगर जो टूल्स दिए हैं हमें स्पाइन प्रिपरेशन के लिए दे कैन बी यूजुअली एक कटर होता है या मल्टीपल भी होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन कितना लंबाई मुझे अवेलेबल है मशीन के ऊपर. जितना मशीन लंबा होगा उतना ज़्यादा स्टेशन प्रोवाइड करता है ताकि उतना, क्योंकि वो मशीन भी उतना स्पीड में चलता है, क्योंकि हमें एक स्टेशन पे मैं सारा चीज़ नहीं कर पाऊंगा तो उसको ब्रेक करते हैं ऑपरेशंस. ओके एंड वंस वी आर डन नेक्स्ट चीज़ हम लोग आते हैं ग्लूइंग पे. ना अगर हमने ऑब्जर्व करेंगे कि हमने मिलिंग करते वक्त हमने उसको फाइबर्स रफ किए हैं राइट, एंड हमने उसके उसमें नॉचेस किए हैं राइट. अभी ग्लू अप्लाई करते वक्त मेरा ऑब्जेक्टिव ये है मुझे वो नॉचेस सारे फिल करने हैं. जो भी नॉचेस मैंने क्रिएट किए उसको एडेसिव से इवनली फिल करना है एंड फाइनली उसके ऊपर एक अच्छा कोट चढ़ाना है एडेसिव का. जो भी मेरा डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट होगा एडेसिव का कोटिंग वेट उसके बुक के थिकनेस के ऊपर रहता है. बेस्ड ऑन कितना बुक का थिकनेस है उसके हिसाब से उसके एडेसिव कितनी कोट उस पर इनफ सफिशिएंट रहेंगी डिसाइड होगा. उसके इस वजह से मेरे मशीन में ये 3 रोलर्स होते हैं ठीक है. द आइडिया इज़ कि एक रोलर से मैं या तो एक रोलर को मैं एक पोजिशन पर सेट कर सकता हूँ ठीक है. तो आइदर मैं लेयर बिल्ड कर सकता हूँ या तो नॉचेस फिल कर सकता हूँ, एक साथ में दोनों काम नहीं कर सकता. सो ये 3 रोलर तीनों अपनी अपनी हाइट पे सेट होते हैं. देयर इज जस्ट माइक्रो एंड इट इज एडजस्टेबल. आउट ऑफ दिस 1, 2 रोलर्स जो फर्स्ट रोलर होता है वो एकदम पास में सेट किया है, एकदम बुक से ऑलमोस्ट टचिंग होता है वो ठीक है. द पर्पस ऑफ फर्स्ट रोलर इज टू क्या होगा, इतना पास रखने का मतलब वो नॉचेस को फिल करने के लिए. तो फर्स्ट रोलर से हम लोग सारे नॉचेस फिल करेंगे. सेकंड रोलर थोड़ा नीचे रखते हैं रिलेटिव टू, मतलब फर्स्ट रोलर के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा नीचे है. इसका पर्पस क्या होगा, लेयर आने के लिए. और जो तीसरा जो है ये छोटा रोलर, इसको रिवर्स स्पिनर कहते हैं. इट इज़ नॉट अ रोलर, इट इज़ रिवर्स स्पिनर. रिवर्स मतलब ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में वो रोटेट होता है और वो दोनों के बीच में होता है. मतलब अगर फर्स्ट रोलर का हाइट और सेकंड रोलर के हाइट के इन बिटवीन कहीं पे तो रिवर्स स्पिनर होगा और वो एडजस्टेबल होता है, उसे हम ऊपर नीचे करते हैं. उसका पर्पस क्या होगा, आने के लिए राइट. एंड आप ये तीनों रोलर में कुछ विजुअल डिफरेंस दिखता है आपको देखने पे, वो तीनों रोलर में क्या फर्क लग रहा है, मतलब फर्स्ट रोलर कैसे दिख रहा है आपको, सेकंड रोलर और थर्ड रोलर वैसा क्यों है, मतलब फर्स्ट 1 और 2 का काम है एडेसिव अप्लाई करना, थर्ड का काम है एडेसिव रिमूव. तो वो क्लीन और ड्राई चलता है हमेशा और उसका सरफेस ऐसा ही होना चाहिए एकदम पॉलिश्ड. आपके रिवर्स स्पिनर पे जितना पॉलिश है दैट इज आपका जो एडेसिव का जो कोई भी बुक का स्पाइन देखते हो ना ऐसे हाथ घुमा के वो कितना लेवल पे आया है वो ये रोलर डिसाइड करता है ठीक है. इसलिए वो मतलब हमें अगेन हम वॉल का एग्जांपल लेते हैं, दीवार पे जब हम कोई सीमेंट लगाते होते हैं जब हम तो हम क्या द जो भी वो कारागिर होता है वो कैसे काम करता है, पहले पूरा सीमेंट जो भी मोटर है सीमेंट रेती का जो मिक्सचर है वो पूरा दीवार पे मार देता है राइट, ज़रूरत से ज़्यादा मार देता है और उसके बाद वो उसको लेवल करता है, ऐसे ही करता है ना. तो सिमिलरली वही रियोलॉजी जो, क्योंकि ये एक लिक्विड है इसका फ्लो वगैरह वो सब चीज़ों के हिसाब से हमने ये किया कि एक रोलर उसको हमें अगर समझो 1 का लेयर चाहिए 1 mm का तो दिस रोलर शायद 1.2 लगाएगा और फाइनली रिवर्स स्पिनर उसको 1 पे लेके आएंगे. अब
अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑफ द होल प्रोसेस, ये एडेसिव हॉट मेल्ट एडेसिव है, राइट? मतलब ये जब अप्लाई हो रहा है ना, ये पॉट में एक 160 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होगा, ओके? और बेस्ड ऑन एडेसिव, कोई एडेसिव 160 पे चलता है, कोई 120 पे चलता है, अगेन हर एडेसिव का स्पेक्स होता है, ओके? उसके हिसाब से वो एडेसिव, तो रेगुलर हॉट मेल्ट आर लाइक एट 160 रेंज, और लो टेम्परेचर हॉट मेल्ट कैन रन एट 120 डिग्रीज ऑल्सो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक कि रिकमेंडेड टेम्परेचर क्या है. सो पॉइंट इज, और आपका बुक का टेम्परेचर क्या है? बुक रूम टेम्परेचर पे होगा, राइट? जो भी होगा एम्बियंट टेम्परेचर. सो अपने एडेसिव जो मोमेंट बुक के कॉन्टैक्ट में आता है वो कूल होना शुरू हो जाता है, ओके? प्रीवियस लाइन, विच मीन्स अगर मैं रिवर्स स्पिनर से एडेसिव निकालने का कोशिश करूँगा तो वो ईजिली आएगा क्या? वो ऑलमोस्ट 160 से 100 के नीचे भी आ गया होगा उतने पॉइंट में, जस्ट इसके कॉन्टैक्ट में आते ही. व्हाट डू यू थिंक? आपने कभी मक्खन को निकालने का कोशिश किया ऐसे नाइफ से? कैसा होता है? इजीली आ जाता है क्या? एकदम एक कोल्ड नाइफ लेके आप मक्खन निकालने की कोशिश करो, कैसा होता है, राइट? कुछ वैसा ही होगा. विच मीन्स रिवर्स स्पिनर आपका साफ होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए, मोर इम्पॉर्टेंटली वो हीटेड होना चाहिए. उसके अंदर एक हीटर होता है जो एडेसिव जो टेम्परेचर पे चल रहा है उससे एक 10 डिग्री ऊपर चलता है. तो आपने 160 पे रखा है तो आपका शायद रिवर्स स्पिनर को हम 165-170 डिग्रीज पे हीटेड रखेंगे, उस हीट से वो रिमूव करता है, ठीक है? हॉट मेल्ट एडेसिव में कोई भी एडेसिव होता है ना, कोई भी एडेसिव में को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या कोई भी इंक भी हो, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम चाहिए, एक जरिया चाहिए जिसको मैं उसको आपके पॉट से बुक में लगाऊं. जब आप कोई वाटर बेस्ड एडेसिव लगाते हो, जैसे आप कोई क्राफ्ट बना रहे हो, कोई बुक बना रहे हो, तो आप उसमें क्या डालते हैं एडेसिव को आसानी से लगाने के लिए? पानी डालते हैं, राइट? पानी डालने से क्या होता है और फ्लो उसका अच्छा हो जाता है, इजीली स्प्रेड होता है, इजीली लगता है, राइट? तो इस एडेसिव में पानी का काम क्या करता है, कौन कर रहा है? ये एडेसिव आप देखोगे एक सॉलिड प्लास्टिक के ऐसे चिकलेट्स होते हैं जिसको हम डालते हैं, गर्म करते हैं. इस एडेसिव में पानी का काम कौन कर रहा है? हीट कर रहा है. तो जो काम आपके वाटर बेस्ड एडेसिव में वाटर करता है वही काम हॉट मेल्ट एडेसिव में हीट काम करता है. तो हम कहते हैं हीट इज़ अ कैरियर फॉर दिस एडेसिव, ठीक है? हीट का काम क्या है? उसको पॉट से बुक तक पहुँचाना और उसके बाद निकल जाना, ठीक है? आप वही चीज़ होता है ना, जब हम वाटर बेस्ड एडेसिव भी लगाते हैं, लगाने के बाद वाटर इवेपरेट हो जाता है, राइट? सो एट सेम रोल, उसी रोल में यहाँ पर हीट काम कर रहा है. तो आपको एडेसिव के साथ कुछ भी करना है तो हीट का हेल्प लेना पड़ता है. इसीलिए आपके रिवर्स स्पिनर में हीट अप्लाई की जाती है ताकि उसको प्रॉपरली लेवल करे, ठीक है? ये क्लीन और ये हीटर नहीं होगा तो वो पूरा जो भी अपने एडेसिव लेयर बिल्ड किया है उसको भी ड्रैग करके खींच लेगा, ओके? एंड यू विल, हमें एक बहुत अनइवन सा लेयर मिलेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं, और इससे आगे जाके फेल हो जाए. आपका मेन पर्पस एडेसिव एप्लीकेशन बाइंडिंग में फेल हो गया जस्ट बिकॉज आपका लास्ट रोलर क्लीन और हीटेड नहीं था. नेक्स्ट, जस्ट ऑन अ ड्रॉइंग लेवल एक्सप्लेन किया है कि रोलर नंबर 1 एकदम पास सेट किया है नॉचेस फिल करने के लिए, रोलर नंबर 2 से नीचे सेट किया है, ये रोलर अपना एडेसिव का लेयर बिल्ड करेगा, ठीक है? एंड रोलर नंबर 3 इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज कंपेयर टू 1 और 2, वो रिवर्स घूमेंगे, ड्राई घूमेंगे, उसके ऊपर एक स्क्रैपर होता है जो रोलर रिमूव करते जाता है, और हीटेड है. अब हमारे बुक में कितना एडेसिव अप्लाई होना चाहिए ये सेट करने के लिए हम रिवर्स स्पिनर को एडजस्ट करते हैं, ओके? फाइनली वो डिसाइड करता है कि कितना एडेसिव अप्लाई होगा और उसका प्रोफाइल क्या होगा, कितना क्लीन, कितना अच्छा या कितना खराब प्रोफाइल होगा, वो डिसाइड करेगा. नेक्स्ट, मागे एक एक देयर इज वन इम्पॉर्टेंट सेटिंग इन द
ग्लू पॉट, ये जो हमने ये जो फ्लैप्स दिख रहे हैं आपको दो, जो ऐसे रोलर और वन और टू के ऊपर सेट किया, और अपने वीडियो में देखा था कि वो फ्लैप ऐसे मूव होता है, उसको हम लोग डॉक्टर ब्लेड्स ऐसे कहते हैं। डॉक्टर ब्लेड का मेन काम है मीटरिंग करना, कितना एडेसिव रोलर के ऊपर होना चाहिए ये डिसाइड वो डॉक्टर ब्लेड करता है। तो आप उसको सेट करते हो रोलर के ऊपर कितना एडेसिव होना चाहिए करके। तो जैसे फर्स्ट रोलर में हमारा पर्पस क्या है, नॉचेस को फिल करना है, तो हम जितना गैप रखा है उससे ज़्यादा एडेसिव रखते हैं ताकि पूरा फ्लश करें। तो जो भी हमें पर्पस अचीव करना है उसके हिसाब से हम रोलर गैप और एडेसिव लेयर के बीच में खेलते रहते हैं, ठीक है। नाउ वो और एक चीज़ करते हैं, वो फिक्स नहीं रहते, वो एक पॉइंट पे कट करते हैं, इसको हम लोग कट ऑफ बोलते हैं, एडेसिव कट ऑफ। एडेसिव कट ऑफ क्या होता है, व्हेन यू आर बाइंडिंग ए बुक, अगर आपका बुक लेट्स से 30 सेंटीमीटर लंबा है, अनकट बुक, हम जानते हैं कि फाइनली ये बुक को बाइंड करने के बाद हमें ट्रिम भी करना है, राइट। हम लोग इसके तीन साइड हम ट्रिम करेंगे, तो एक 3 mm के करीब बुक ट्रिम होने वाला है, हमें वहाँ पे एडेसिव का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे एडेसिव होने से एक तो एडेसिव कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट अदरवाइज ऑल्सो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, ओके। जैसे हम पूरा हेड टू टेल पूरा एडेसिव अप्लाई कर देते हैं ना, और उसको कवर अटैच करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि एडेसिव यहाँ से स्क्वीज़ होता है, ठीक है। और एडेसिव वहाँ से स्क्वीज होने के बाद में जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप कटिंग मशीन पे इस बुक को ऐसे नॉक करेंगे, तो ये चीज़ के वजह से बुक क्रॉस रहेगा और उसका कटिंग पूरा क्रॉस होगा। उसके बाद नाइफ पेपर को कट करने के लिए बना है, प्लास्टिक इससे हार्ड मटेरियल, नाइफ आपका वहाँ पे ख़राब होता जाएगा, नाइफ के ऊपर पूरा ग्लू लगेगा और आपके मशीन के ऊपर भी सारा ग्लू स्प्रेड होता जाएगा। जब ये यहाँ से द पॉइंट, ये जब मैंने कवर अटैच किया, यहाँ से एडेसिव बाहर निकल के थोड़ा सा मशीन पे गिर जाएगा। ये सब प्रिवेंट करने के लिए हमारे मशीन में कट ऑफ होता है, जो हम लोग जस्ट लेट से हमें 3 mm का ट्रिमिंग अलाउंस दिया है, तो हम उसको 3 mm शुरुआत में 3 mm एंड में स्टॉप कर सकते हैं एडेसिव का एप्लीकेशन, ताकि एडेसिव से उतना एरिया में लगे। तो आप जब बुक बन रहा है तब आपको एडेसिव दे, फाइनली जब आप कट करके देखेंगे तब आपको क्लीन एडेसिव का लेयर मिलेगा। तो डॉक्टर ब्लेड्स का रोल वो है, एक एडेसिव का सप्लाई कंट्रोल करना और उसका कट ऑफ कंट्रोल करना, ओके। नेक्स्ट नाउ हमने ये जब जो देखा स्पाइन के लिए देखा, हम एडेसिव दो तरीके से लगाते हैं बुक में, स्पाइन एंड साइड। साइड ग्लूइंग का मतलब क्या होता है, साइड ग्लू ये वाला, तो हमने ये स्पाइन पे ग्लू लगा लिया, ठीक है। व्हेन अभी इसके साइड में हमने कोई ग्लू नहीं लगाया है, राइट। साइड ग्लूइंग में बेसिकली आइडिया इज टू, जब हम कवर अटैच करने वाले हैं एंड जब हम एक सॉफ्ट कवर बुक को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, द वीकेस्ट या बुक का सबसे वीक सेक्शन होगा इसका पहला पेज और कवर के बीच में का अटैचमेंट, ठीक है। इसको स्ट्रांग बनाने के लिए हम इसको इसके साइड में एक 5 mm के एरिया में बहुत थिन ग्लू लगाना चाहते हैं। द आइडिया इज दैट हम ये समझिए कि ये जो स्पाइन में कर रहे हैं ना और साइड में कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अपोजिट है। स्पाइन में हमारा कोशिश होता है कि हम लेयर बनाएं, लेकिन अगर यहाँ पे जो हम एडेसिव लगाएंगे इसमें लेयर बनेगा तो ये आपका बुक स्क्वायर नहीं बनेगा, ये बुक ऐसा स्पाइन में ऐसा हो जाएगा, राइट, जो हम नहीं चाहते। बट ये लगाना हम क्यों चाहते हैं, बिकॉज इससे वो इफ़ेक्ट मिलता है, जैसे हम ना दरवाजे को हम कभी भी फ्रेम में फिट करते हैं, है ना, सीधा दीवार को नहीं फिट करते, एक हिंज होता है। ये साइड ग्लूइंग हमें वो हिंज इफेक्ट देता है जो एडिशनल स्ट्रेंथ देता है बुक को। तो उसको लगाने के लिए मतलब मुझे मेरा जो एडेसिव चाहिए वो डिफरेंट चाहिए, मतलब उसका केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग चाहिए, थोड़ा और पतला एडेसिव चाहिए, जो लगाने पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो, बहुत पतला लेयर बने। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वालिटी उसमें ये चाहिए कि जब मैं एडेसिव को इतना पतला स्प्रेड कर रहा हूँ तो वो जल्दी से सूख जाता है।
अगर ये इसमें इतना लेयर बिल्ड किया है तो ये इसका हीट तुरंत निकलेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा देर तक वो टैकीनेस बना रहेगा। बट मैं बहुत बहुत थिन लेयर में एडेसिव का लगाऊंगा, जस्ट थिन माने मैं 0.1-0.2 mm की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज इतना कोट वेट पे वो एडेसिव तुरंत सूख जाएगा। मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी जो मेरे एडेसिव में होना चाहिए साइड वाला, हाँ, कि वो जल्दी सूखना नहीं चाहिए, ओके। विच मीन्स ये तो इसका, और स्पाइन में मैं चाहता हूँ कि जल्दी सूख जाए और लेयर बनाए, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है साइड ग्लू के लिए हम लोग अलग टैंक यूज़ करता है मशीन में। हम लोग ये दोनों एडेसिव में एक ही साथ लगा सकता था, मैं वैसा करूँगा तो मुझे मेरे बुक की फाइनल क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। सो दैट इज़ व्हाई हम साइड ग्लू के लिए एक डिफरेंट एप्लीकेशन टैंक यूज़ करते हैं, जिसमें डिस्क का यूज़ करके वो अप्लाई करता है। एंड ये रोलर हमें जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए ना, जो बहुत थिन एप्लीकेशन होना चाहिए अचीव करने के लिए, आप अगर ये डिस्क में देख सकते हैं, बेसिकली वो जो दो ऐसे डिस्क है ना हॉरिजॉन्टल, इसके बीच में से बुक ट्रैवल करेगा, इसके बुक में, इसके बीच में से बुक पास होगा और वो एडेसिव अपने वो सेल्फ ड्राइव लेके उसको एडेसिव अप्लाई करेंगे। उसमें एक पैटर्न होता है, उसमें आप देखेंगे अगर वो दिख रहा है मुझे पता नहीं, बट उसमें लाइंस होते हैं, ऐसे रिजेस होते हैं, मतलब ऐसे लाइंस हैं जिसके अंदर एक्चुअली एडेसिव होगा। तो जब हम एडेसिव यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो पूरा पूरा अप्लाई नहीं होगा, लाइंस में अप्लाई होगा। अगेन टू प्रिवेंट, मतलब, और जब वो बुक जब निप होगा ना, वो स्प्रेड होके और पतला हो जाएगा, टू कंट्रोल कि कितना एडेसिव हमें पास करना, हमें कम से कम एडेसिव पास करना है। तो इसको एकदम 0-0 सेट करके जो एडेसिव इसके पैटर्न के बीच में है ना, वही अप्लाई होगा। एंड व्हेन ये जब बुक दाब में प्रेस होगा तब वो पैटर्न स्प्रेड होके और लाइन्स के बीच में का गैस भी फिल हो जाएगा, तो हमें एकदम से पतला लेयर मिलेगा। यूजुअली ये बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना, साइड ग्लूइंग का टैंक जो होता है, अपने मेन ग्लू देगा इतने बड़े बड़े रोलर्स हैं, रिलेटिवली कंपैरिजन में साइड ग्लू के एप्लीकेटर्स बहुत छोटे होते हैं। तो इसको इम्पॉर्टेंट है कि इसको क्लीन रखना, अगर वो आपका पैटर्न डर्टी हो गया, अगर वो पैटर्न इवन हो गया, फ्लैट हो गया, तो आपको वो क्वालिटी का एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। अगेन आपको थिक मिलेगा, थिन मिलेगा, या तो स्प्रेड मिलेगा। होता क्या है, जब हम ये बुक बना के कवर अटैच करते हैं ना, तो फाइनल बुक का ये सब जस्ट टू बहुत सारे सैंपल्स रखे हैं, यू कैन एग्जामिन। तो आप देखेंगे ये कवर, यहाँ तक ये कवर अटैच्ड है, राइट। अगर इनकरेक्ट साइड ग्लू एप्लीकेशन से मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि एडेसिव यहाँ से फिर बाहर आ जाता है, ऐसे 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 स्क्वीज आउट हो जाता है, राइट। अगर आपका कोई फ्रंट पेज मैगजीन ऐड है तो वो ऐड खराब दिखेगा, तो आपका एडवर्टाइजर हमें आके चिल्लाएगा कि ऐसा क्यों आया है। सो विच मीन्स साइड ग्लू एप्लीकेशन दो स्मॉल थिंग, छोटा चीज़ है लेकिन क्रिटिकल है आपका बुक का फाइनल एस्थेटिक क्वालिटी में। दिस इज द इफेक्ट। कभी कभी काफ़ी बार हम लोग बुक्स ऐसे भी बनाते हैं जहाँ विदाउट साइड ग्लू लगाते हैं, बट मोस्टली सॉफ्ट कवर बुक्स में हम चाहते हैं कि साइड ग्लू का होने से वो एनहांस्ड अपील आता है या एनहांस्ड प्रोटेक्शन आता है स्पाइन को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ड केस वगैरह के बुक्स बना रहे थे, यूजुअली साइड ग्लू अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, नाउ आपका हमने बुक को, स्पाइन को, सरफेस को प्रिपेयर किया, एडेसिव अप्लाई किया, साइड ग्लू अप्लाई किया, हमारा बुक ब्लॉक अभी रेडी हो गया। अदर पार्ट ऑफ द मशीन इज टू मेक द कवर रेडी, ठीक है, एंड फाइनली दोनों को ज्वाइन करना है। कवर में जो हम प्रोसेस करना चाहते हैं कि कवर जहाँ पे मोड़ना है हमें टू मेक इट इन द शेप ऑफ द बुक, वहाँ पे क्रीज करते हैं, ठीक है। ऑन मशीन हम टोटली 4 क्रीज करते हैं एक कवर को, एक कवर को टोटली 4 क्रीज होता है, 4 लाइन क्रीजिंग बोलते हैं। एंड ये 4 क्रीजेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग इन द सेंस 2 क्रीज अंदर से बाहर की तरफ, 2 क्रीज बाहर से अंदर की तरफ। बिकॉज जब हम फाइनली हमारा बुक बन रहा है, हमने कवर को, ये कवर को इस तरफ मोड़ा है, राइट, एंड इसके बाद हम इसके
फ्रंट पेज को उल्टे तरफ मोड़ना चाहता है. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई साइड लू क्यों आया. एंड उसके बाद में तो बेसिकली टोटली 4 क्रीज है. नेक्स्ट स्लाइड, लाइक दिस. तो जो एरिया जहाँ पे हमें कवर ब्रेकिंग बोलते हैं इसको, जहाँ पे हमें बुक को अटैच करना है, राइट, वो क्रीजेस अंदर से किए हैं, वो डेंट्स हमने अंदर से किए. तो मेल क्रीज ऊपर, फीमेल नीचे. एंड जो बाहर वाले क्रीज है जहाँ पे साइड लू एप्लीकेशन को जो कवर करके फाइनली विच विल क्रिएट द ओपनिंग ऑफ द कवर, दे आर मेड इन अदर डायरेक्शन. ये यूजुअली कभी कभी हम कवर्स ऑफलाइन बनाते हैं, कवर अलग से बना के लेके आए हैं, उसको पंचिंग मशीन में क्रीज कर लिया. पंचिंग मशीन में क्रीज करने से प्रॉब्लम यही होता है कि यू विल देन यू आइदर हमें अगर सेम इफेक्ट चाहिए तो हमें वो दो बार पंच करना पड़ेगा, राइट, अदरवाइज इनलाइन उसको क्रीज करना है इस तरह से. नेक्स्ट, फाइनली ऑन योर मशीन यू हैव योर निपिंग क्रीज्ड कवर, ग्लूड बुक ब्लॉक, दोनों आके एक पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं मशीन पे. उस एरिया को निपिंग बेड बोलते हैं, जहाँ पे हम बुक और कवर को जॉइन करके कुछ देर के लिए दाब में रखेंगे, और फिर उसको स्लोली रिलीज करके डिलीवर करके स्टैक कर देंगे. ओके, नाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, मोस्टली आपका बुक है ना, यहाँ पे आके जो भी हमने इतना मेहनत किया है ना, यहाँ पे आके फेल हो सकता है या अच्छे से बना सकते हैं उसको. नेक्स्ट, जो मेजर चीज़ें हम जो यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं ना, एक तो है, तीन चीज़ें हैं, प्रेशर, कितना दाब चाहिए, सेकंड, कितना देर तक दाब चाहिए, निपिंग ड्यूरेशन, तीसरा, ये जो बेड है ना, इसमें तीन प्लेट्स होते हैं जो हिट करते हैं आके बुक को, दो साइड से एक नीचे से. बॉट तो साइड का सेटिंग प्रेशर सेटिंग है, कितना प्रेशर चाहिए, कितना देर के लिए चाहिए. नीचे का सेटिंग हाइट सेटिंग है, जो कवर को जॉइंट करता है, नीचे का कभी प्रेस नहीं करता है. तो नीचे का फाइनल पोजीशन हमें सेट करना होता है, कितना होना चाहिए वो बुक, प्लस हमें कितना एडेसिव का लेयर चाहिए, प्लस कितना कवर का थिकनेस है, उसके बाद आपका वो निपिंग बेड आना चाहिए. तो कवर मोटा है तो मुझे नीचे लेना पड़ेगा, अगर एडेसिव का लेयर ज़्यादा है तो भी नीचे लाना पड़ेगा, कम एडेसिव का लेयर, पतला लेयर है तो मुझे निपिंग बेड ऊपर उठाना पड़ेगा. अगर ये नीचे से बेड से मैंने ज़्यादा उसको फोर्स से अंदर प्रेस कर दिया, तो अभी तक मेरा एडेसिव पूरा टैकी है, वो पूरा बुक्स के अंदर घुस जाएगा. फाइनली बुक बाइंड तो होगा, बुक बाइंड होके कट होके सब होने तक उसका बाइंडिंग मेल, लेकिन आप जब उसको ओपन करोगे तब वो बहुत टाइट लगेगा, या पूरा ग्लू अंदर स्क्वीज आपको दिखेगा कि अंदर तक आ गया है नॉचिंग. हेलो हेलो, परत चालू करूँगा, चालू है ना. ओके, सो ऑल थ्री थिंग्स बेस, कितना बुक, अगर बुक बहुत मोटा है, हमने टोटली एडेसिव, इसके नीचे कितना एडेसिव का वॉल्यूम है, अगर लेट्स से लेट्स से 5 सेंटीमीटर थिकनेस का बुक है, ठीक है, एंड 1 mm का कोट है, एंड 30 सेंटीमीटर का बुक है लेंथ, स्पाइन लेंथ, तो इट विल बी व्हाट, एट 1 mm इट विल बी 15 grams ऑफ एडेसिव. 15 grams ऑफ एडेसिव अगर हमने 160 पे अप्लाई किया, तो कूल होते होते इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सेट होने के लिए, ठीक है. अब बहुत पतला बुक है, एकदम 0.3 mm का कोटिंग लिया है, तो इतना टाइम नहीं चाहिए, तुरंत प्रेस करके रिलीज कर सकते हैं, एडेसिव तुरंत रेडी होगा बॉन्डिंग के लिए. इसमें मोस्टली जो हम लोग बुक को ख़राब कर देते हैं वो बॉटम बेड का सेटिंग में, बॉटम बेड का हाइट एडजस्टमेंट एंड उसका अगेन पैरेललिज्म. जो चीज़ हमने क्लैंपिंग में किया था ना, बेस प्लेट था हमारा, हमने बेस प्लेट को काट कोन किया था कि ये राइट एंगल पे है कि नहीं विथ रेफरेंस टू द क्लैंप. सेम इज़ ट्रू फॉर द बॉटम बेड ऑल्सो, द बॉटम बेड शुड ऑल्सो भी हम लोग काट कोन मिलना चाहिए. अगर क्लैंप को वहाँ आके रुकाते हैं और उसको उस पोजीशन में लेके जाते हैं, ये निपिंग बेड ऐसा मूव होता है,
अगर आपने वीडियो में देखा था तो एक क्लैंप आता है, कवर को ऐसे अटैच करता है, तो उसका एक पैसिव पोजीशन है, एक एक्टिव पोजीशन है। उस एक्टिव पोजीशन पे ला के जब हम चेक करते हैं कि ये कार्टकोन में आ रहा है क्या नहीं, या कभी आगे से अलग है पीछे से अलग है, वो अगेन वो इफेक्ट अपने को बुक में दिखेगा। बहुत बहुत बार हम देखते हैं कि हम जब ग्लू लेयर मेजर करते हैं, यहाँ पे एक अलग लेयर दिखता है, यहाँ से मेजर करोगे तो अलग दिखता है। ये सब उसके वजह, ये सब मोस्टली यहाँ से शुरू होता है, या फिर यहाँ नहीं हुआ है तो शुरुआत में क्लैंपिंग से ही बुक गड़बड़ है। नेक्स्ट, या तो नाउ हमने एक बुक बाइंडिंग प्रोसेस एज ए नो वॉट क्या क्या इसमें सेटिंग्स है, क्या क्या सेट करते हैं वो हमने चेक कर लिया, कैसे चेक करना है वो चेक कर लिया। हमें बुक बाइंडिंग सेट करते वक्त नो काफ़ी टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो यूजुअली हम मैंने यहाँ पे कुछ आपको दिखाने के लिए सेमी प्रोसेस्ड कुछ सेमी प्रोसेस बुक्स लाए हैं सो दैट यू कैन सी कि मिलिंग करने के बाद बुक कैसा होता है, कितना मिलिंग हुआ है। अगर ये नॉचिंग मुझे मेजर करना है तो इज ए टूल कॉल्ड एज ऑक्यूलर स्कोप, ऐसे दिखता है वो। बेसिकली एक 10x का मैग्नीफायर है जिसमें एक मेट्रिक स्केल है जो 1 mm का 10th डिवीजन में, मतलब सबसे छोटा जो मेजर कर सकता है वो 0.1 mm मेजर कर सकता है। इसका यूज़ करके हम ये सब चीज़ें मेजर कर सकते हैं, कितना नॉचिंग का डेप्थ है, कितना मिलिंग का डेप्थ है। एडेसिव लगाया है तो जैसे अभी ये बुक में एडेसिव लगाया है तो कितना लेयर है, अगर मुझे मेजर करना है तो मैं इस तरह से ये स्केल रख के मेजर करता हूँ। ओके, एंड फाइनली एक बुक को हम जब टेस्ट करते हैं, ये सब करने के बाद में जब बुक बाहर आया, हम उसको टेस्ट कैसे करते हैं, द प्रोसेस इज, एक तो विजुअली आप देखते हैं आगे पीछे से स्क्वायरनेस कितना है बुक में, ठीक है, तो उसके अलग अलग टेक्निकल नाम है कि इसको मशरूम स्पाइन बोलते हैं, नेल हेड स्पाइन बोलते हैं, मतलब मोस्टली हमारा स्पाइन जो है कार्टकोन नहीं बना है, उसका मतलब या तो ऐसे बन गया है या तो जैसे कोई खिला होता है ना, खिला कैसे दिखता है ऊपर, उस शेप का स्पाइन बन गया है, या मशरूम कैसे दिखता है उस शेप का स्पाइन बन, जो हम नहीं चाहते वो यहाँ कहीं तो गड़बड़ होने से होता है। ये सब चीज़ें हम विजुअली देखते हैं। फाइनली बाइंडिंग क्वालिटी देखने के लिए हम उस बुक को एक नाइफ से कट करते हैं, तो ये बुक मुझे चेक करना है तो मैं एक नाइफ लेके इसको बीच में से कट करके अलग अलग पॉइंट पे मैं इसका नॉच, फिर मुझे नॉचिंग भी दिखेगा अगर मैं इस बुक को यहाँ से ब्रेक कर दूँ। क्लीन कट, अभी ऐसे फाड़ूंगा तो सही नहीं फटेगा, क्लीन कट करके आई कैन सी कि इसका नॉचिंग क्या है, नाइफ से कट करना है।